करोड़ों देशवासियों को जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था वह नज़दीक आ गया है। जी हाँ, 22 जनवरी 2024 की तारीख इतिहास के पन्नों पर दर्ज होने जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने अयोध्या जाएंगे। आपको बता दें कि अयोध्या राम जन्मभूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और अब वो समय आ गया है जब यहाँ राम लल्ला विराजेंगे और इसके साथ ही प्रभु राम के ढेरों भक्त रोजाना इस नव निर्मित मंदिर में राम लल्ला के दर्शन कर सकेंगे। वहीं इस मौके पर देश के 4000 संत महात्मा और समाज के 2500 प्रतिष्ठित महानुभाव उपस्थित रहेंगे। इनमें यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, RSS के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया है, तो चलिए इसका जवाब हम आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल मकर संक्रांति के दौरान 16 जनवरी से 24 जनवरी तक की तारीख शुभ मुहूर्त मानी गई है। बताया जाता है कि प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत योग में हुआ था। अन्य तिथियों में ये योग थोड़ी समय के लिए बन रहा था, जबकि 22 जनवरी को ये अभिजीत योग लंबे समय तक का है। ऐसे में तय हुआ है कि ये तारीख ही सबसे मुनासिब रहेगी। इसके अलावा ज्योतिषों के अनुसार मृगशीर्ष नक्षत्र को कृषि कार्य, व्यापार, विदेश यात्रा के लिए सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। ऐसे में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इस शुभ मुहूर्त में करने से राष्ट्र का कल्याण होगा और प्रगति करेगा। तो वहीं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या में 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित होने के लिए न्योता भेजा था, जिसे PM मोदी ने स्वीकार कर लिया है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा चंपत राय ने। माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, हमने उन्हें अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधार कर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया। प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। वे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 ये अब निश्चित हो गई है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशहरा के अवसर पर 24 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली के रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां PM मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राम मंदिर के निर्माण में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, जल्द ही राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति विराजमान होगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।